हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। किस्मत एक रास नहीं है बल्कि मेहनत और कोशिश का नतीजा है। इंसान अपनी किस्मत को बेहतर बनाने का बाइस बन सकता है और अपने ख्वाबों को हकीकत में भी तब्दील कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताऊँगा जिसके पास ना घर था ना कोई काम। इसका नाम क्रिस गार्डनर है। क्रिस ने कई मुश्किल का सामना किया मगर आखिर में वो कामयाब हुआ। मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में पैदा होने वाले क्रिस ने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। उनके वालिदैन के ताल्लुकात में तनाज़ हुआ जिसकी वजह से उनके वालिद ने घर छोड़ दिया और उनकी मां ने उन्हें और उनके भाइयों को तन्हा पाला। मुश्किलात के बावजूद क्रिस ने तालीम हासिल की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन माली मुश्किलात ने उन्हें स्कूल छोड़ने और बहरिया में शामिल होने पर मजबूर किया। अपनी खिदमत के बाद क्रिस ने अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ पर पांव रखा मगर ख्वाबों को तर्क करना पड़ा और उनको बेघर होना पड़ा। अपने और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के खातिर क्रिस ने बहुत मेहनत की। क्रिस की बीवी भी उसको छोड़ गई। क्रिस कई कई दिन भूखा रहता और अपने बच्चे का खूब ख्याल रखता था। उसने मेडिकल टूल बेचना बरकरार रखा। उन्होंने एक बड़ी फर्म की तरफ से इंटर्नशिप हासिल की और अपने करियर की बुनियाद रखी और जल्द ही वो बड़े कामयाब हो गए। इनकी कामयाबी की कहानी बहुत मशहूर हुई और इनकी ज़िंदगी पर खुशी की तलाश नामी फिल्म बनाई गई जिसका इंग्लिश में नाम द परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। आज क्रिस ना सिर्फ कारोबारी शख्सियत हैं बल्कि वो मुश्किलात का सामना करने वाले अफराद के लिए उम्मीद की रोशनी है। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने का रास्ता हमेशा मेहनत, अज़्म और मेहनत और मुस्बत सोच के साथ होता है। और हाँ, अगर आप भी मेहनत और पुख्ता अज़्म से काम करेंगे तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।